वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा। और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज डेली एंड GK करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश में एक तटीय निगरानी रडार प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बनी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहीद होने और जंग में 60% शारीरिक क्षति होने पर जवानों के परिवार को 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला स्पोर्ट्स बैटिंग एरिना खोले जाने की घोषणा की गई है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग ने किस देश में स्मार्टफोन का विनिर्माण पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पाकिस्तान गेंदबाज ने श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, मोहम्मद हसनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे जहरीला कवक किस देश में सुदूर उत्तर में पहली बार देखा गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गंगा को प्रदूषण से बचाने हेतु दिल्ली उत्तर प्रदेश समेत कितने राज्यों में 15 सूत्र दिशा निर्देश जारी किए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, 11। 11 राज्यों में केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं गंगा को प्रदूषण से बचाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप।
इसका आंसर है ए 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये राज्य है तमिलनाडु। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी धारवार तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह राज्य है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी यूक्रेन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी केन्या देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी नाइट्रोजन। ये थी आज की क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।